कभी आपको, क्योंकि गांव समाज में रहते हैं हम लोग भी रहते हैं, तो बहुत तरह की तानाएं मिलती है, क्या कभी आपको ऐसे भी कभी लोग बोले थे कि अरे ये सब क्या पढ़ लिख के क्या कर पाएगा? वो सब तो मिलते रहता है, समाज वाला तो जानते हैं कि कैसा होता है, भूख मरी है तैयो दूसेगा, खाइए तैयो दूसेगी। समाज आर का तो आपको अगर 5% या 10% चाहने वाला है तो 90% विरोध कर देगा। आज आज जब वो सफल हो गए हैं तो आज आज वही समाज क्या कह रहे हैं? हाँ, अब मुरझा गए, और वो लोग जो है अब अपने बच्चा को विकास का प्रेरणा स्रोत बता रहा है कि देखो बिना हाथ पैर का इंसान जब ये कदम मंजिल तक पहुंच गया तुम क्यों नहीं पहुंचे, तुम भी विकास की तरह निकलो, चलो ये वो मार्गदर्शक बना ना। जिनको ताना दिया जाता था, जिनके लिए ताना दिया जाता था कि अब क्या करेगा पढ़ लिख के, अब विकलांग है, पैर हाथ है नहीं, कद का छोटा है, और आज आज नौकरी होगी कि नहीं, आज वही व्यक्ति जब BPSC निकाल लिए हैं तो वो एक मार्गदर्शक बन गए हैं, वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए। दोस्तों कहते हैं सफल होने के लिए न कद की आवश्यकता पड़ती है कि हम कद में कैसे हैं, हमारी सुंदरता कैसी है, सफल होने के लिए केवल और केवल मेहनत की जरूरत होती है। आप किस टाइप से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का तरीका क्या है, उस पे निर्भर होता है कैसे मिलेगी आपकी सफलता। मैं आपको एक ऐसे लोगों से आज मिलवाऊंगा जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा। 66वां BPSC में उन्होंने 942वां स्थान प्राप्त किए हैं, रैंक प्राप्त किए हैं और BPRO के लिए चयन हुए हैं। ये उनके पिताजी हैं जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं, और इसी दुकान को चला के उन्होंने अपने परिवार का निर्वहन किया, अपने बच्चे को पढ़ाए। सर आपका नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार पद्धर। आप यही दुकान चलाते हैं? जी जी जी। अच्छा, कैसे छोटे से दुकान से आप सारा कुछ मेंटेन कर लेते हैं? नहीं, मिला सहयोग, मिला आर्थिक सहयोग कहिए, मानसिक शारीरिक जो भी हो, हमारा दामाद जो है ये खाजीपुर में है, समझे, अब बेटी नहीं है लेकिन दामाद जो है हर तरह से हम लोग को मदद करते रहे। आज वो लोग नहीं होते तो हम लोग का इस धरती पर से वजूद खत्म हो जाता। हाँ, उन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग बचे हुए और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा, कैसा लगता है आपको, आपका बड़ा बेटा है वो ना, बड़ा बेटा आपका पूरी दुनिया के लिए ऐसा मिसाल कायम किए हैं जो हर लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन रही है कि नहीं, तो कैसा लग रहा है? नहीं, काफ़ी खुशी अनुभव कर रहे हैं, पूरे गांव वाले समाज जो है प्रफुल्लित है, मेरा जितना रिश्तेदार है खास करके मेरा दमादुमा जो है वहाँ तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जश्न पार्टी अभी भी हो रही है, उस समय कोई तरह की जो है कोताही नहीं की जा रही है, समझे, और सारा श्रेय जो है वही लोगों को जाता है, मम्मी हो गया, बहन है, दो तीन बहन है, बहनों ही हो गया, यही सब का जाता है। हम तो दाल रोटी में ही उलझ करके रह गए, समझे, क्योंकि भरण पोषण भी तो चाहिए था ना, सही बात है, और कोई चारों तरफ से किसी तरह की कोई आमदनी नहीं थी, न कहीं बाप से तहसील आ रही थी, न जमीन जायदाद कुछ नहीं थी, तो इसी से दाल रोटी उपार्जन करते करते मेरा कार्यकाल जो है ख़त्म हो गई, समझे, तो वही मदद के रूप में आ गया है। औरों सब था जहाँ जालंधर में थे, NIT से BTEC कर रहे थे, वहाँ भी कुछ सरदार जी लोग आए थे इनका खर्चा उठाने के लिए, डायरेक्टर का भी काफ़ी सहयोग रहा, डायरेक्टर बोले कि पैसे के अभाव में विकास की पढ़ाई नहीं बंद होगी, समझे, हाँ, अगर इसके पास मेरिट होगा तो इसकी पढ़ाई पैसे के अभाव में हम बंद नहीं होने देंगे, हम अपने तरफ से इसको पढ़ाएंगे, काफ़ी इसको हौसला बुलंद हुआ। और वहाँ जो दो तीन गो ऐसे दानवीर थे वो सब आगे आए कि हम कॉलेज का फी देंगे, मेस का खर्च देंगे, इस तरह से जो है सब उठा लिए बीरा, हमको सोचने के लिए साफ छोड़ दिए, एकदम हम निर्भर, एकदम मतलब जो है चिंता मुक्त हो गए कि अब हमको कोई टेंशन नहीं है, अब मेरा बेटा जो है आराम से जो है पढ़ करके BTEC करके निकल जाएगी। इसी बीच जॉब हो गई सेंट्रल, 6 साल उस पद पर रहे, और उसके बाद BPSC में जो है पहला बार एग्जाम दिए और सब पहला बार भी निकल गया, पहले क्या बार हाँ। ये नहीं कि दूसरा तीसरा दिए हैं, अब BPSC की तैयारी चल रही है, PT निकाल लिए हैं, और उसका मेंस का जो है अगले महीना है, और देखिए क्या होती है जी, क्या बात है। टेस्ट का दोस्तों इनका भी कद देख रहे होंगे, बहुत छोटे कद के हैं, लोगों का काफी सहयोग रहा, लेकिन इन्होंने अपने जज्बा को कभी खोने नहीं दिया, और केवल जज्बा के बदौलत हमेशा मेहनत कर रहे, और मैंने परिवार को नशा मुक्त बनाया। क्या बात कि घर में जो है एक कसेली का टुकड़ा नहीं आना चाहिए,
शिखर गुटखा पान पराग दारू बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ सिर्फ जीने के लिए भोजन और पानी बस एगो बैड हैबिट में थोड़ा सा नन भेज है अच्छा बस और उसके सिवा कुछ नहीं। ये कहिएगा कि आपके घर में शिखर गुटखा दारू तारी बीड़ी सिगरेट खैनी तंबाकू चबाता नहीं वो सब नहीं एकदम नशा मुक्त। अगर पूरे दलसिंह सराय में आप ले लीजिएगा तो मेरा घर छोड़ करके किसी का ऐसा परिवार नहीं मिलेगा जो 100% नशा मुक्त है। सही बात किसी भी लाइन में किसी भी लाइन में अगर आज ये लोग नशा मुक्त नहीं होता तो इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। हाँ इसका भी एक श्रेय गया है। सबसे बड़ी चीज होती है खुद की जिम्मेवारी है कि नहीं। आपने गाइड किया और उन लोगों को भी अपने आप में जिम्मेवारी होगी कि हम लोग इस चीज का ख्याल रखें। नशा का सेवन करते हैं तो मेरा बाल बच्चा भी करता लेकिन वो देखा कि मेरा फादर तो कर नहीं रहे हैं मैं कैसे करूं इसलिए मेरे रास्ते पर चले और ये मुकाम पर पहुंचे। एक लड़का छोटा है जो IIT कानपुर से MTech कर रहे हैं देखिए अब उनको क्या आगे चलकर सफलता मिलती है या नहीं मिलती जरूर, है जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर ये तो फ्यूचर की बात है। ऐसे हम दवा तो नहीं करेंगे इसलिए है कि नहीं आज हम दवा कर लिया कल नहीं होगी तो लोग हम पर जो है फप्तियाँ कसेंगे कि दवा कर रहे थे बड़ा बड़ा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ये निकलेगा वो निकलेगा DM बनेगा तो कलेक्टर बनेगा ढाके 3 पात निकल गया क्योंकि वक्त कोई देखा नहीं है वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं है ये सब वक्त की कृपा है और सारा श्रेय मेरा बेटी दामाद उमाद माँ है ये सबका प्रेरणा स्रोत है कि मेरा बेटा पढ़ेगा ही और हम तो दाल रोटी में उलझ कर रह गए देख रहे हैं यही छोटी दुकान है और मेरा कोई आमदनी और सोर्स का जो है दूसरा रास्ता नहीं है। एक पेंशन मिल रही है 400 रुपया मात्र महीना तो समझिए उठ के मुँह में जीरा का फोड़न है। हाँ हाँ विकलांग वाला पेंशन मिल रहा है बस बस और कुछ नहीं और कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। एगो भाई था तो अपना अलग हो गया SSC कंप्लीट किया उसके बाद अपना परिवार लेकर के पटना में बस गया हम लोग से रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया क्या अच्छा कोई दिक्कत नहीं जाइए हमारा जो फर्ज था कर्तव्य था हमने निभाया बिल्कुल बस। अब तुम्हारा क्या फर्ज है अब तुम जानो मैं नहीं कहूँगा कि तुम मुझे हेल्प करो मदद करो पैसे लाओ हाँ मैंने तुम्हें पढ़ाया है या संजोग कर रखा है। मेरा पेरेंट्स जब हम लोग बच्चे बच्चे थे छोटे 10 साल 12 साल के तो पेरेंट्स ख़त्म हो गई थी माँ पिता विहीन जो है ज़िंदगी कैसा होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और वे भी दिव्यांग थे समझे बस जहाँ तक हुआ टूटी 2-4 साल पढ़े ट्यूशन ना कोई गार्जियन थी जो किताब देता ना कॉपी देता जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिए मैट्रिक इंटर कर लिए प्राइवेट से क्योंकि कोई स्कूल भी पहुँचाने वाला तो नहीं था समझे लेकिन बच्चा लोग किसी तरह अपना दिमाग लगा कर दोस्त यार से करके और उसके सहारे ट्यूशन जाना स्कूल जाना समझे करके अपना आगे निकल गया बिल्कुल। हाँ चलिए आपके मेहनत को मैं सलाम करता हूँ और दुनिया वाले आज आपके मेहनत को सलाम कर रहे हैं क्योंकि हाँ। क्योंकि क्योंकि आपने जो मेहनत किया है अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए वाकई में वो काबिले तारीफ है। दोस्तों इन्हीं का बेटा है वो जिन्होंने BPSC निकाला है और एक बार में उन्होंने BPSC निकाला होता है कि 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करने के बाद जो है सफलता मिलती है वो नहीं हुआ एक बार बैठे निकाले हाँ जो भी जॉब निकाले हैं एक बार में JEE भी जो है सो एक बार में निकाले थे CDOT में काम करते थे नई दिल्ली उसमें भी एक बार में निकाले गए और ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ही चले आए मात्र 6-7 को ऑल इंडिया में सीट थी और एग्जाम दिए 1 घंटे के बाद उसका सिलेक्शन हो गया कि आपका चयनित हो गया है अनुसंधान अभियंता है रिसर्च इंजीनियर सिग्नलिंग के पद पर है अभी और अब तो रिजाइन मारेंगे जब वहाँ से लेटर आ जाएगी कि आपको ट्रेनिंग करने में जाना है इस डेट को तभी 2-3 महीना CDOT में ही काम करेंगे। भारत सरकार का उपक्रम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है उसका नाम ये भारत सरकार का प्रौद्योगिकी केंद्र है दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र है टेलीकॉम सेंटर टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखाता है समझे उसी में अभी कार्यरत हैं 10 लाख के पैकेज पर गए थे अभी करीब 20 लाख रुपया मिल रही है। हाँ। अच्छा एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कभी आपको क्योंकि गांव समाज में रहते हैं हम लोग भी रहते हैं तो बहुत तरह की तानाएं मिलती हैं हाँ। क्या कभी आपको ऐसे भी कभी लोग बोले थे कि अरे ये सब क्या पढ़ लिख के क्या कर पाएगा वो सब तो मिलते रहता है समाज वाला तो जानते हैं कि कैसा होता है भूख मरिए तैयो दूसेगा खाइए तैयो दूसेगी समझे समाज आर का तो आपको अगर 5% या 10%
चाहने वाला है तो 90% विरोध करने वाला है। अच्छा, जलने वाला है। तो आज 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 जब वो सफल हो गए हैं तो आज आज वही समाज क्या कह रहे हैं? हाँ, अब मुरझा गए और उन लोग जो है अब अपने बच्चा को विकास का प्रेरणा सोर्स बता रहा है कि देखो बिना हाथ पैर का इंसान जब ये कदम मंजिल तक पहुंच गया तुम क्यों नहीं पहुंचे। आज सब घर घर से अपने बच्चे को स्कूल प्राइवेट स्कूल समझे कॉन्वेंट में भेज रहे हैं चल ना कि तुम भी विकास की तरह निकलो। चलो एगो मार्गदर्शक बना ना कि चलो विकास से शिक्षा तो मिला कि जब विकास बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते, तुम तो फिजिकल फिट हो। हाँ, तो जो है सो अब उन लोग बाल बच्चे को जो है पढ़ा लिखा रहा है समझे। दोस्तों मैं बता दूं जिनको ताना दिया जाता था, जिनके लिए ताना दिया जाता था कि अब क्या करेगा पढ़ लिख के, अब विकलांग है, पैर हाथ है नहीं, कद का छोटा है, और आज आज नौकरी होगी कि नहीं, आज वही व्यक्ति जब बीपीएससी निकाल लिए हैं तो वो एक मार्गदर्शक बन गए हैं, वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए कि उनको देखो कुछ भी नहीं था फिर भी आज 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 सफल हो गए। तो यही चीज़ होती है, सफल होने के बाद आपके पीछे लोग दौड़ेंगे, तब तक नहीं पीछे आपके दौड़ेंगे जब तक आप सफल नहीं होते हैं। तो ये हर जगह की है, और मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा, विकास जी जो इनका बेटा है, और इन्होंने बस ये छोटी दुकान चलाकर घर परिवार का निर्वहन किया, अपने बच्चे को मन से पढ़ाए, और आज वो व्यक्ति आज वो बच्चा दुनिया के लिए है कि हमारा परिवार नशा मुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले भी बताया। हाँ, बिल्कुल नशा मुक्त अभी के युग में ढूंढना समझ जाइए कि हाँ मुश्किल है, नामुमकिन है। आप 100 पर सर्वे करके देख लीजिए कि कई गो घर जो है नशा मुक्त है, 99% आपको जो है सो मिलेगी जो में शराब दारू ताड़ी शिखर गुटखा रजनीगंधा। कितना आदमी तो ताना मारेगा कि हम जितना रजनीगंधा फाड़ देते हैं दारू पी जाते हैं उतना तुम्हारा घर का खर्ची होगा। हमारा एकदम बिल्कुल सही, जितना तुम उड़ा देते हो नशा पर उससे कम में हमारा परिवार चल जाता है। मैं सच बता देता हूँ, क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँ, झूठ बोलने से मुझे कोई फायदा तो है नहीं, जो सच्चाई है मैं बता देता हूँ कि हाँ भाई तुम ये जो बोल रहे हो बिल्कुल सटीक बोल रहे हो, तुम्हारा जो नशा पर जो खर्च है बोतल पर उससे कम में मेरा परिवार चल जाता है, बस यही। बहुत अच्छा लगा, और दोस्तों मैं इसी वीडियो के एपिसोड 2 में आप सबों को मैं विकास जी से मिलवाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।